गुना निवासी युवक युवती ने आज गायत्री मंदिर में पहुंचकर शादी की। युवती मुस्लिम वर्ग से आती है, उसका असल नाम नाजमिन है। उसकी दीपक गोस्वामी जिससे आज शादी हुई है, उससे पहले मुलाकात टिकटॉक ऐप के जरिए हुई थी। वह दीपक के वीडियो से प्रभावित हुई थी और उसने दीपक गोस्वामी को मैसेज किया, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई, प्रेम संबंध शुरू हो गए। नाजमिन ने दीपक से कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तभी दीपक ने कहा कि तुम मुस्लिम हो तो शादी कैसे हो सकती है, जिसके बाद नाजमिन बोली कि मैं आपसे शादी करके हिंदू धर्म अपना लूँगी। और उसके बाद दीपक गोस्वामी ने मंदसौर में चैतन्य सिंह राजपूत से संपर्क किया और गायत्री परिवार में पूरे विधि विधान से शादी की। लड़के ने बताया कि उसके परिवार की इस विवाह में पूर्ण सहमति है, लेकिन लड़की के परिवार को ये मंजूर नहीं है, इसलिए ये लोग मई महीने से ही घर से निकल गए थे और 6 महीने साथ रहकर वैदिक पद्धति से गायत्री मंदिर मंदसौर में पहुंचकर उन्होंने विवाह किया। साथ ही सहयोग करने के लिए चैतन्य सिंह राजपूत, युवाचार्य महंत श्री मनमणि महेश चैतन्य जी महाराज एवं सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र पांडे मौजूद रहे। बताइए आपका पहले क्या नाम था और अब क्या नाम हो गया है और कैसे? मेरा नाम नाजिन बानो था, अब नैन्सी गोस्वामी हो चुका है। मेरी इनकी मुलाकात टिकटॉक पर हुई थी, फर्स्ट टाइम पे जब टिकटॉक चलाता ना, जब उस टाइम पे बात हुई थी, हमारी मुलाकात हुई, पहचान हुई, फिर मैंने इनको आगे से मैसेज किया, फिर कॉल की हमारी आगे से आगे फिर बात बढ़ी। फिर इनको मैंने इनसे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम हो तुम अपना लोगी, तो मैंने बोला मैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कहाँ पर आकर आपने हिंदू धर्म अपनाया है? ये गायत्री परिवार में आके मंदसौर में मैंने हिंदू धर्म अपनाया है जी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने मतलब हिंदू धर्म अपनाया है। जो क्या कभी पहले सोचा था कि हिंदू धर्म अपनाएंगे हम लोग? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। कभी इनसे मिलने के बाद ही मैंने सोचा मैं कि हिंदू धर्म में इनसे साथ शादी करना चाहती हूँ, इनसे प्रेम करती हूँ। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। हम दोनों की मुलाकात 2019 में हुई थी, जो कि टिकटॉक पे हम दोनों ने मैसेज की थी। इसका मैसेज पहले आया था, प्रपोज इन्होंने ही कराया था। इसके बाद हमारी मुलाकात हो गई तो हम दोनों में प्रेम हो गया दोनों में। इसके बाद कुछ समय बाद इसके घर वाले इसको टॉर्चर करने लगे, तो इसने बोला मुझे तो आपके साथ रहना है, मुझे हिंदू। मैंने इनसे बोला कि मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो तो अब कैसे हो जाएगा, तो इन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। हाँ। तो फिर हम क्या बोलते 13 मई 2022 को घर से निकल गए। हाँ। आज हमको 6 महीने हो गए घर से निकले। इसके बाद मंदसौर आकर गायत्री परिवार से इनका धर्म चेंज करवा के हम दोनों ने शादी कर ली जी। वर्तमान परिस्थितियां जो भारत में आप सब पत्रकार बंधुओं के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है, 36 गुण नहीं मिला रहे हैं तो 35-35 टुकड़े भी होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज ही सुबह अखबार में देखा लखनऊ में किसी को 4थी मंजिल से फेंक दिया गया है, तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो वास्तव में विचार करके देखते हैं, सनातन धर्म अपने आप में ये स्वतंत्र जीवन शैली है, आप अपनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। यहाँ कोई अवरोध या कोई विशेष आपको जो है यहाँ किसी तरह से प्रतिबंध नहीं है। तो आज ये विवाह है जिसमें हम भी आशीर्वाद के लिए आए हैं। इसमें एक बालिका नाजबिन बानो जो संभवतः गुना जिले की है, और उसने अभी धर्म परिवर्तन तो हम उसको नहीं कहेंगे, घर वापसी करी, मैंने उसको जब ज्ञान हुआ और वो वापस जो है सनातन धर्म की ओर लौटी है, उस बालिका ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वो समझती है कि हमारे यहाँ पर केवल तलाक इस तरह 3 तलाक के बाद रिश्ता तोड़ने वाला यह संबंध नहीं है, या हम लोग 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने वाली बात करते हैं।